हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे एक और हेल्दी एंड क्विक ब्रेकफास्ट रेसिपी, मूंग दाल स्प्राउट सैंडविच। इसके लिए ये हैं इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले मैंने लिया है एक बाउल, मिक्सिंग बाउल। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक कटोरी स्प्राउट मूंग। ये अंकुरित मूंग है, फ्रेश मूंग है, इसलिए मैंने उसे बॉयल नहीं किया है। अब मैं डाल रही हूँ एक चॉप्ड टमाटो, एक बारीक कटा प्याज और एक कुकुम्बर खीरा। अगर आपके पास गाजर शिमला मिर्च है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा यह है बारीक कटा धनिया पत्ती। अगर आप अंकुरित मूंग मार्केट से खरीद रहे हो तो आप उसे एक बार बॉयल वाटर में से निकाल लेना। अभी मैंने डाला है आधी चम्मच कूटी काली मिर्च, एक स्पून जीरा पाउडर, काला नमक 1/4 टीस्पून है और 1/4 टीस्पून है सादा नॉर्मल नमक। उसके अलावा चिली फ्लेक्स है, ये अराउंड 1/4 टीस्पून है। आपको जैसा स्पाइसी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप चिली फ्लेक्स और नमक एडजस्ट कर लेना। अब मैं डाल रही हूँ मियोनीस, ये वेज मियोनी है, ये 2 टीस्पून डाल रही हूँ। अगर आपके पास मियोनीस नहीं है तो आप फ्रेश दही को हैंग कर लेना और उसमें जो भी पानी है निकाल के उसको इसमें ऐड करना। अदरवाइज आप बिना मेयोनी या दही के भी आप इसे बना सकते हो, बट मेयोनी ऐड करने से टेस्ट बहुत अच्छे से आएगा और बच्चे बहुत अच्छे से खाएंगे। अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, मिक्स करके मैं इसे रख रही हूँ साइड में। अभी मैंने लिए है ब्रेड, ये होल व्हीट ब्रेड है। अब मैंने एक स्लाइस लिया है, स्लाइस लेके आप चाहो तो इसको किनारे से काट सकते हो, बट मैं डायरेक्टली ऐसे यूज़ कर रही हूँ। अभी मैं अच्छे से भर के इसमें ये मूंग दाल का जो मिक्सचर है वो रख रही हूँ। रख के इसके ऊपर मैं एक और ब्रेड का स्लाइस रखूँगी। रख के इसी तरीके से मैंने सारे जो ब्रेड्स हैं उनको मैंने रेडी कर लिया है। ये ब्रेड होल ब्रेड है, आप चाहो तो ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो या रेगुलर हम लोग जो मिल्क ब्रेड यूज़ करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल करना, बट अगर आप होल व्हीट या ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करोगे तो हेल्थ के लिए अच्छा है। और ये सैंडविच बहुत जल्दी बनता है, बहुत टेस्टी है। अब मैंने दोनों ब्रेड्स में दोनों सैंडविच रेडी कर लिए हैं। अब मैंने रखा है एक तवा, आप चाहो तो टोस्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे मैं तवा ले रही हूँ। अब मैंने इसके ऊपर डाला है थोड़ा सा बटर, अराउंड 1/4 टीस्पून है। आप चाहो तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही बटर थोड़ा सा गर्म हो गया उसके ऊपर मैंने रखा है एक सैंडविच जिसे हमने प्रिपेयर कर लिया। उसको हाथ से मैं इस तरीके से प्रेस कर रही हूँ ताकि बटर अच्छे से सैंडविच में लग जाए। अब मैं इसे पलट रही हूँ थोड़ा सा और बटर डाल के फिर वैसे ही थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से प्रेस कर रही हूँ। इसी तरीके से पलटते हुए हमें क्रिस्पी या गोल्डन ब्राउन होते तक इसे सेकना है। यहाँ पे मैंने घर के बने हुए तुरक, मतलब कल मैंने भिगाया था, आज मेरे स्प्राउट बन गए, उसका मैंने इस्तेमाल किया। अगर आप पुराना स्प्राउट इस्तेमाल कर रहे हो या मार्केट का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे हल्का बॉईल कर लेना या एक बार गर्म पानी में डाल के निकाल लेना, उससे स्प्राउट थोड़े से नरम हो जाएंगे। और आप चाहो तो इसमें अदर स्प्राउट्स जैसे चने का हो गया है, मसूर का हो गया, उनका भी मिक्स करके स्प्राउट इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपके पास अवेलेबल है या जो आपका चॉइस है। अभी मैंने सेम उसी तरीके से दूसरा सैंडविच भी बना लिया। बस हमारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सैंडविच बनके रेडी है। अब मैं इसे कट करके सर्व कर रही हूँ, आप चाहो तो डायरेक्ट भी सर्व कर सकते हो। अब आप भी ये टेस्टी हेल्दी स्प्राउट सैंडविच बनाइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।